हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों, आज अपने एक नई सीरीज जो स्टार्ट की थी पिछले हफ्ते, आज उसका अपने सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो इसका क्या है, सेकंड पार्ट में आज अपने चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम, आपको पता है कंबाइन वीडियो ये है उनके लिए, स्टूडेंट के लिए, तो जितने क्वेश्चन उसमें एमसीक्यू बनते हैं वो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या है, ज़्यादा डेरिवेशन थे तो इस कारण इसमें एमसीक्यू इतने ज़्यादा नहीं बने, तो जितने भी मेरे से ज़्यादा बने वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी। तो देखिए बच्चों, जो सबसे पहली बात है आज कि इस चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो जो बुक में दिए हुए हैं उसमें से आपको कोई नहीं छोड़ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ये तो चलो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बुक वाले क्वेश्चन है, तो उनको प्लीज़ जरूर करना आप जो बुक में आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले हिंदी मीडियम को बोल के लिए बोलूंगा मैं, बाद में इंग्लिश मीडियम के लिए, कि कोई पृष्ठ जिसका क्षेत्रफल एस है एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। ए सरफेस हैविंग एरिया कैपिटल एस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज, यानी कि एक सरफेस है, एक पृष्ठ है आपके पास, और वो एक विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई के साथ 45 डिग्री 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, एंगल बना रहा है, तो अब उसमें से जो गुजरने वाला या पास आउट होने वाला फ्लक्स है वो कैसा होगा, कि आपके पास ऑप्शन है धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या इनमें से कोई नहीं, विल बी पॉजिटिव, विल बी नेगेटिव, विल बी जीरो, या नन ऑफ दी अबव। तो अब आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पृष्ठ है आपके पास, अगर मान लो एस उसका क्षेत्रफल है और ई वो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो ई एस कोस थीटा उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ई एस कोस थीटा फाई की वैल्यू होती है, तो जब कोस थीटा में जब आप 45 डिग्री 45 डिग्री पुट करोगे तो ये 1/√2 आएगा, तो ई एस बटा अंडरूट 2 ये बन जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ई एस बटा अंडरूट 2 पॉजिटिव ही है, तो मतलब जो आपका फ्लक्स है वो कैसा होगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है कि विद्युत फ्लक्स की विमा है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स का हाँ विमीय सूत्र या विमा या डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, सोच के आंसर लिख लो भी इसका क्या है। तो वैसे आप इसको फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा यानी ई इंटू एस से भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, फ्लक्स को, तो जो इसका फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला वो सही आंसर है सी। ठीक है, कई बच्चों ने पिछली बार क्या है कि इसको ऐसे भी याद कर रखा था 1331 ऐसे करके। ठीक है, और ये दोनों क्या है 1331 के नीचे ऐसे लाइन खींच देते थे, ये नेगेटिव है, तो वो अलग अलग अपना अपना तरीका होता है बच्चों याद करने का, और मुझे याद आ गया तभी मैंने आपको बता दिया पिछली बार के। अब नेक्स्ट टाइम कि विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है। चार ऑप्शन देखो इसमें क्या है, गाउसिया पृष्ठ के आकार पर, ऑन द साइज ऑफ गॉसियन सरफेस, गाउसिया पृष्ठ की आकृति पर, ऑन द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, गाउसिया पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, ऑन द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, और लास्ट है माध्यम पर, ऑन द मीडियम। ठीक है, तो बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा इसमें। तो देखो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सही ऑप्शन आपने लगा लिया होगा जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता है, और अगर किसी को नहीं पता लगा तो जो जहां पर गाउस का नियम है, गॉस लॉ आपकी बुक में है, वहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो उन पॉइंट को आप पढ़ के देखना, तो इसमें जो सही आंसर आएगा बच्चों वो आएगा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करो कि आपसे ये पूछा डिपेंड करता है, निर्भर करता है या करता नहीं है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, तो देखो इसमें पूछ रहा है डिपेंड करता है, मतलब तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिस पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डिपेंड करता है, तो वो ऑप्शन है बच्चों आपके पास माध्यम पर।
ठीक है, माध्यम पर निर्भर करता है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये ऑप्शन आ रहा होगा कि गाउसीय पृष्ठ के क्षेत्रफल पर सर निर्भर करता है। तो अगर आप कह रहे हो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो मुझे ये बताओ कि जैसे ये दो यहाँ पर आपने क्या रख रखे हैं, आवेश है, एक क्षेत्रफल इसके चारों ओर आपने ये खींच दिया और एक क्षेत्रफल आपने इसके चारों ओर ये खींच दिया, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि फ्लक्स का मान चेंज हो जाएगा का, इस पृष्ठ से रिलेटेड अलग होगा और इससे रिलेटेड अलग होगा, ठीक है, या आप ये कहना चाहते हो। लेकिन गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स जो होगा फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्साइलन नॉट के इक्वल होगा, सिग्मा क्यू बटा एप्साइलन नॉट के इक्वल, मतलब कि आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा और नीचे एप्साइलन नॉट मतलब एप्साइलन आ गया तो मीडियम पर भी डिपेंड करेगा जो फ्लक्स होगा माध्यम पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास है, माध्यम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्षेत्रफल वाले से कंफ्यूज मत हो जाना कि फ्लक्स का जो होता है फॉर्मूला उसमें ई इंटू एस होता है, तो सर क्षेत्रफल पर ये निर्भर करेगा डिपेंड करेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको माध्यम पर ये चीज निर्भर करती है क्योंकि गॉस लॉ है वो फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपके पास एक घनाकार गाउसीय पृष्ठ में दो समान विद्युत द्विध्रुव जिनमें से प्रत्येक पर प्लस माइनस क्यू आवेश स्थित है, तो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान होगा। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन पढ़ के और इसके ऑप्शन मैं थोड़े से दिखा देता हूँ आपको, और ऑप्शन देख के इसका ऑप्शन ढूंढो। उतने इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पढ़ते हैं कि टू सेम डाइपोल्स हैविंग सेम चार्ज प्लस प्लस माइनस क्यू आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस में रखे हैं, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस इज, यानी कि तब क्या है आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस है वो निकालना है। अब देख लो, समझ लो भी आपके पास एक क्यूब है, ठीक है ना, ऐसे एक क्यूब है, उसमें आपने दो डाइपोल रख रखे हैं और दोनों ही सेम है, और चार्ज है जो उस पर एक डाइपोल पे प्लस क्यू माइनस क्यू और दूसरे पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू है। तो अब इससे रिलेटेड आपको फ्लक्स पूछा है भी, इस जो ये आपने सरफेस ले रखा है इससे रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो कई बच्चे तो सोचने लग जाएंगे क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 into a square, तो उस हिसाब से निकालेंगे 6 q a square, ऐसा सा आंसर आ जाएगा। कई बच्चे तुक्का मार के ऐसे कर देते हैं भी, हाँ ये होगा, लेकिन मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि जब भी कोई डाइपोल आपके किसी भी आपके पास जो सरफेस है उसमें पड़े हों, तो तब क्या होता है जो उससे रिलेटेड फ्लक्स होता है, डाइपोल जहां पर भी पड़े हों उससे रिलेटेड फ्लक्स होगा, उसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 0, तो ऑप्शन हो जाएगा 0। तो जित डाइपोल आप चाहे 50 रख दो एक जगह पर, तो डाइपोल के कारण क्या होगा, फ्लक्स जो टोटल होगा वो 0, क्योंकि सिग्मा क्यू 0 होता है डाइपोल के लिए। अब नेक्स्ट देखो, आपके पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा हुआ है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। अनंत लंबाई के आवेशित चालक पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, तो यह चालक पृष्ठ अनंत लंबाई का, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है फॉर्मूला। अब इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले उतने में अपना आंसर लिख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लेंथ नॉन कंडक्टिंग शीट टू ए पॉइंट इज, यानी नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 0। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें क्या होगा बच्चों, आंसर लगा लिया आपने और वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण, अचालक परत के कारण या अचालक पृष्ठ के कारण, ठीक है। तो देखो इसमें इस चैप्टर में क्या है, डेरिवेशन ज़्यादा है, तो इसी कारण जो क्वेश्चन है वो डेरिवेशन से रिलेटेड ही मैंने ज़्यादा डाले हैं इसमें, और थ्योरी से रिलेटेड जितने हो सकते थे वो डाले हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप आवेशित अचालक ठोस गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दूरी में संबंध होता है, भी एक ठोस अचालक गोला आपके पास और उस गोले के अंदर जो तीव्रता है, तीव्रता के फॉर्मूले में जो यहाँ पर फॉर्मूला आएगा उसमें R कैसे आता है, R के साथ R और E में क्या है, क्या संबंध होता है, यानी कि आपको चार ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 1/r के समानुपाती, 1/r² के, R के और 1/r³ के। उतने इंग्लिश मीडियम वाले सुन लो क्वेश्चन क्या है, देखो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पर कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एंड डिस्टेंस स्मॉल आर फॉर ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एट ए पॉइंट इन साइड द स्फीयर, यानी कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें क्या है कि जो आपके पास डिस्टेंस और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और डिस्टेंस दोनों में क्या रिलेशन होता है वो आपको बताना है, ठीक है।
तो अब आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग अचालक ठोस गोला है, तो उसके अंदर जो E की वैल्यू होती है किसी भी पॉइंट के लिए वो होती है के क्यू बटा में आर क्यूब और इंटू में स्मॉल आर। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो E इज प्रोपोर्शनल टू आर आता है, मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। जो इसका ग्राफ बनता है ना, मेरे को ग्राफ भी याद है इसका, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के, क्योंकि यहाँ पर प्रोपोर्शनल होता है समानुपाती, फिर ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता होता है, तो वहां से भी आप याद रख सकते हो। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये भी यानी कि तगड़ा क्वेश्चन है के हिसाब से आप कह सकते हो, लेकिन अगर जिस बच्चे के फॉर्मूले याद है वो सारे बता सकता है। किसी भी समरूप आवेशित चालक व अचालक ठोस या खोखला, कोई भी हो, चालक हो अचालक हो ठोस हो खोखला हो, जिस मर्जी टाइप का हो, ठीक है, उस गोले के लिए तीव्रता का अधिकतम मान होता है। तीव्रता का यानी अधिकतम मान आपको बताना है कहाँ पर होता है। ये चार ऑप्शन है, पढ़ ले होंगे आपने, गोले से बाहर, सतह पर, अंदर पर या केंद्र पर। अब नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले देखो, क्या कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, यानी यूनिफॉर्मली चार्ज है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, कोई भी हो सकता है, सॉलिड और होलो कोई भी हो सकता है, चाहे कंडक्टिंग होलो हो चाहे कंडक्टिंग आपके पास क्या हो सॉलिड स्फीयर हो, जैसा मर्जी स्फीयर हो, ठीक है, उसके लिए कौन से पॉइंट पे क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम होती है, कौन से पॉइंट पर होती है। तो चार ही तो पॉइंट पड़े थे अपने, और वो चारों आपके पास ऑप्शन में, आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, इनसाइड और ऑन द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो इतने में हिंदी मीडियम वालों ने सोच रखा होगा आंसर, और इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो रोक के सोच लो आंसर। और इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है आपके पास 2 नंबर, गोले की सतह पर। आप जिस मर्जी गोले का ग्राफ देख लो, जिस मर्जी स्फीयर के लिए ग्राफ देख लो इंटेंसिटी का, उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है, या तो ग्राफ आपका ऐसे आता है, ठीक है, या तो ग्राफ आपका ऐसे आता होता है, और या इसमें ये वाला ऐड हो जाता है। तो हाईएस्ट वाला ये सरफेस वाला पॉइंट होता है, सतह वाला बिंदु होता है, हर एक प्रकार के गोले के लिए, हर एक प्रकार के स्फीयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, एक साबुन के बुलबुले को धनात्मक आवेश से आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या, द रेडियस ऑफ ए सोप बबल आफ्टर चार्जिंग इट विद ए पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि जब अपने एक साबुन का बुलबुला है यानी सोप बबल है उसको पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं, तो उसकी रेडियस यानी उसकी जो त्रिज्या है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है, ये जानकारी अपूर्ण है, विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, नो चेंज या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी जब ये टॉपिक करवाया था कि चाहे तो आप पॉजिटिव चार्ज दो चाहे नेगेटिव चार्ज दो, जब आप क्या करते हो कि सोप बबल को चार्ज दे देते हो, तो क्या होता है कि उस पर जो उसके रेडियस सॉरी चाहे पॉजिटिव चार्ज है और चाहे नेगेटिव है, जो रेडियस है उसकी वो इंक्रीज ही होती है, मतलब उस पर एक्सेस प्रेशर लगता है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसकी रेडियस है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आई बात, सोप बबल वाला टॉपिक देखना, उसमें आप देख सकते हो एक्सेस प्रेशर और सरफेस टेंशन वगैरह सब कुछ उसमें मैंने बताया हुआ है, वो टॉपिक आप दोबारा देख सकते हो। जिस बच्चे के देखो रिवाइज नहीं किया हुआ वो बच्चा इसके आंसर नहीं दे सकता, भूल चुका है जो चैप्टर को वो आंसर नहीं दे सकता, बाकी बच्चे आंसर दे सकते हैं, तो एक बार रिवाइज कर लेना चैप्टर को करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण ई और लैम्डा में ग्राफ है, द ग्राफ बिटवीन ई एंड लैम्डा फॉर एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर इज, यानी कि एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर है या एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है, उसके ई और लैम्डा में ग्राफ कैसा है। ई और लैम्डा उसका क्या होता है, सरफेस सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसमें ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ आप तभी बता सकते हो किसी स्फीयर के लिए जब आपको क्या पता हो, इन दोनों में रिलेशन पता हो, भी ई और लैम्डा में रिलेशन क्या होता है, और एक इनफाइनाइट लेंथ की वायर के कारण जो ई का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, क्या होता है, 2k λ/r। अब यहां पर ई और आर में ग्राफ नहीं पूछा उसने, उसने पूछा ई और लैम्डा में, तो आप देखो ई और लैम्डा में जो रिलेशन है वो है प्रोपोर्शनलिटी, मतलब समानुपाती वाला। ठीक है, तो समानुपाती वाला प्रोपोर्शनलिटी वाला ग्राफ है 3 नंबर, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ई और लैम्डा में जो ग्राफ आता है वो आपके पास आता है सी, तो ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा सी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अब भाई ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन दिया है मैंने,
ठीक है ना, आप पूछोगे सर क्यों दिया है, तो चलो थोड़ा सा यानी कि एडवेंचर भी होना चाहिए, ये बात भी है। ठीक है, तो एडवेंचर के लिए मैंने थोड़ा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, खतरनाक क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है कुछ, तो उसमें क्या है, आपको कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपके पास फॉल्स है, गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपने यहां पर कि गॉस का नियम निर्वात व माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। गॉस लॉ ये कह रहा है कि जो गॉस लॉ है वो वैक्यूम के लिए भी अप्लाई होता है, और दूसरा क्या है, मीडियम के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा जो आपके पास है ऑप्शन, मेरे माउस को पता नहीं क्या हो गया, हाँ, गाउस का नियम उन सदिश क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर दोज वेक्टर फील्ड विच ऑब्वेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा है, गाउसीय पृष्ठ की कोई भी आकृति हो सकती है। देयर विल बी एग्जिस्ट एनी शेप ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस की कोई भी शेप हो सकती है। यह केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टेटिक और रेस्ट चार्ज। तो कौन सा कथन इसने असत्य पूछा है, गलत पूछा है? ठीक है, गलत पूछा है, भी गलत कौन सा है? तो देखो, पहला जो अपने स्टेटमेंट देखते हैं, पहला बिल्कुल सही है, निर्वात और माध्यम, क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है इसके फॉर्मूले में, तो वैक्यूम और मीडियम दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब व्युत्क्रम वर्ग वाला भी पॉइंट था गॉस लॉ में, आप पढ़ के देखना, उसके जो गॉस लॉ है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने लिखवाए हुए हैं 8-10, तो उस वो लाइन नहीं है सारी ये, ठीक है ना, तो वो लाइनें आपको याद हो जाए, इस कारण मैंने ये क्वेश्चन दिया है। अब तीसरा, गाउसीय पृष्ठ की कोई भी आकृति हो सकती है, ये मैंने बताया था, गॉसियन सरफेस की कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, अब चौथा है कि यह केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टेटिक या रेस्ट चार्ज। ये ऑप्शन है गलत है, क्योंकि जो गॉसियन जो गॉस लॉ है वो क्या है कि आपको ऐसे नहीं कहता, भी अगर मान लो ये आपने सरफेस ले लिया या कोई पृष्ठ ले लिया, तो इसके अंदर आवेश की स्थिति पर भी निर्भर करता है, स्थिति वाला पॉइंट कहीं नहीं आया। गॉस का नियम आपको कहता है, गॉस लॉ कहता है सिग्मा की ओपन एप्साइलन नॉट के इक्वल होता है फाई, तो आप मुझे बताओ कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है क्या फ्लक्स, भी आपका चार्ज कहाँ पर पड़ा हुआ है, वो रेस्ट में है या इधर उधर जा रहा है। वैसे जो आपका सरफेस है इसके अंदर होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए सरफेस के, और कोई कंडीशन नहीं लगती यहाँ पर। ठीक है, तो यह केवल स्थिर आवेश पर लागू होता है, तो यह जो चीज़ है ये गलत है, आपकी जो बुक है उसमें दिया भी हुआ है कि इस गॉस का नियम स्थिर और गतिमान दोनों के लिए लागू होता है, यानी गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्टेटिक एंड इन मोशन चार्ज, यानी मोशन में वो चार्ज चाहे स्टेटिक हो चार्ज, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है ये वाला लॉ, समझ आई? अब क्वेश्चन नंबर आता है 11, तो ये है आयतन आवेश वितरण रो का मात्रक होता है, द यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज, तो रो का जो रो की जो यूनिट है वो क्या होती है। ठीक है, तो अब रो की यूनिट बताओ क्या होती है, आपको पता है ये होता है रो की जो वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होती है कि चार्ज और अपॉन में वॉल्यूम, तो चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आवेश बटा आयतन होता है आयतन आवेश वितरण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ी सी फोटो मैं अपनी छोटी कर देता हूँ या यहाँ पर रख लें, हाँ चलो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर विल नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। भी एक हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है आपके पास, वो कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, मतलब कहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस नहीं करता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वहां पर क्या है, जीरो है। तो मतलब क्वेश्चन आपसे ये घुमा के पूछा हुआ है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये है कि जो आपके हॉलो स्फीयर है उसके कारण जो जीरो इंटेंसिटी है या तीव्रता का मान जीरो है, ई का मान जीरो किस पॉइंट के लिए होता है। अब पहला जो ऑप्शन है वो है 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर, डिस्टेंस मोर देन 2 मीटर, 10 मीटर से ज्यादा दूरी पर, डिस्टेंस मोर देन 10 मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अरे चल जा, लास्ट क्वेश्चन है, आंतरिक बिंदुओं पर फॉर इनर पॉइंट्स ऑफ स्फीयर और बाहरी बिंदुओं पर फॉर आउटर पॉइंट्स ऑफ स्फीयर, तो अब मुझे बताओ कि कहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होती है। तो ये उस बच्चे के याद होगा जिसने इस फॉर्मूले को पढ़ रखा है, 2-3 बार रफ कॉपी में लिख रखा है, इसका ग्राफ बना रखा है, ग्राफ से आपको सब चीज़ याद आ सकती है। ठीक है, तो अपने क्या है,
इसका सही आंसर है वो है आंतरिक बिंदुओं पर, क्योंकि खोखले गोले के अंदर जो होलोस्फीयर होता है उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, जो इसको चार्ज देंगे वो इसकी सरफेस पे आएगा, ठीक है, सरफेस पे आएगा तो सरफेस पे ही रहेगा, अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो सिग्मा की ओ पौना एप्साइलन नॉट से ई सॉरी ई की वैल्यू क्या है के क्यू पौना आर स्क्वेयर से, जब क्यू ही नहीं है तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, तो यहां पर क्या होती है, जीरो। तो ये 2 मीटर और 10 मीटर तो वैसे आप उलझन के लिए दिए हुए हैं, वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस या औचित्य नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना था बच्चों आज की वीडियो, तो फोटो मेरी बड़ी कर देता हूँ मैं यहाँ पर, तो मुझे बताना आप कि आपको कैसा लगा आज का लेक्चर और ये क्वेश्चंस कैसे लगे। इसके पीडीएफ जल्दी आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, तो इसी तरीके से इस सीरीज को प्यार देते रहें आप अपना, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख के आता रहूँगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आगे पीछे हो सकती है वीडियो के साथ, क्योंकि ये कोई अलग से कैमरे से मैं शूट नहीं कर रहा, बीच में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, बीच में ये कई बार मोबाइल हैंग हो जाता है मेरा, ठीक है ना, तो इस कारण मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम, जितने ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी जल्दी नेक्स्ट आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।